नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। इस वक्त बड़वानी जिले के ठीकरी से बड़ी खबर आ रही है। वनों की कटाई, लगातार क्षेत्र में लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसी को देखते हुए दो दिन पहले मुखबिर की सूचना पर ठीकरी तहसीलदार राजेश कोचले ने खजूरी मार्ग से आ रहे वाहन क्रमांक MP13GA1748 को रोककर तलाशी ली, जिसमें पाया कि तिरपाल की आड़ में लकड़ी भरकर वाहन इंदौर की ओर जा रहा है। तहसीलदार की सूचना पर ठीकरी थाना पुलिस ने वाहन को रोककर थाने पर लाए। फिलहाल दो दिन से लकड़ी से भरा वाहन थाना परिसर में खड़ा है, लेकिन वन विभाग और राजस्व विभाग यह तय नहीं कर पा रहा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई करे। वही थाना प्रभारी संजीव कामले ने बताया कि तहसीलदार को पत्र लिखकर आगे कार्रवाई के संबंध में अभिमत मांगा गया है। इस वक्त ठीकरी से हमारे संवाददाता अखिलेश साहू जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बताइए क्या है पूरा मामला। खजूरी मार्ग पर लगातार हो रही लकड़ी की तस्करी की सूचना जब तहसीलदार को लगी, तहसीलदार ठीकरी राजेश कोचले ने मौके पर ग्रामीणों की सूचना पर उस क्षेत्र से आ रही आयसर वाहन को रोककर उसमें जांच की। उसमें पाया गया है कि लकड़ी और इस लकड़ी के भरे वाहन को लाकर ठीकरी थाने पर खड़ा किया गया। फिलहाल वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों जांच का बहाना लेकर एक दूसरे पर कार्रवाई के नाम पर ढोलाढाली चल रही है। ये लकड़ी वास्तव में अवैध है या किसी के खेत से काटकर इसको तस्करी के लिए भेजा जा रहा है, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए तहसीलदार को प्रतिवेदन भेजा है। देखना है कि तहसीलदार ठीकरी या वन विभाग इस पर क्या कार्रवाई कराता है और जंगलों से हो रही लगातार लकड़ी की इस कटाई को रोकने में कितना राजस्व विभाग और वन विभाग सफल हो पाता है। ठीकरी से मैं अखिलेश कुमार साहब। थाना परिसर में लकड़ी से भरी हुई आयसर वाहन खड़ा है, क्या मामला सर? क्या इसमें लकड़ी भरी हुई सर? अभी फिलहाल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है या जांच चल रही है?